Morning guys, welcome to my channel once again, capture the moment with Maldas. Yes, आज मैं जा रहा हूँ मालदा, सेम डे रिटर्न भी करूँगा. सुबह सुबह निकल रहा हूँ, तैयार हो चुका हूँ, ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है और अभी रेडी हूँ निकलने के लिए. थोड़ा फाइनल चेक कर रहा हूँ, सो मिरर में देख रहा हूँ खुद को. हेलमेट ले लेता हूँ एक्स्ट्रा एक, क्योंकि मेरे साथ आज राइड कर रहा है, राइड कर रहा है विलियन पिलियन एज पिलियन मेरे भाई प्रियंकर, जिसको मुझे पिकअप करना है मेडिकल से. सो मैं निकलता हूँ, चलिए. सो चलिए निकलते हैं. बाइक मैंने निकाल लिया है, उसको अभी हेलमेट वहाँ पर अटैच करना है और लगेज मैंने बैकपैक ले लिया है, कुछ ज़्यादा लगेज लिया नहीं कि मुझे सेम डे रिटर्न करना है. आज मैं 15 अगस्त के लिए निकल रहा हूँ. सोच रहा प्लान कुछ और था, विथ माय फ्रेंड्स के साथ मैं जाने वाला था घूमने, बट समहाउ ये पॉसिबल नहीं हुआ, प्लान कैंसिल हो गया. इसको पहले अटैच कर लेता हूँ. अटैच हो जा, अटैच हो जा. सो अरे यार क्या हो रहा है, लग जा लग जा लग जा यार. सो फाइनली लग गया है. सो क्या बोल रहा था, मुझे मैं हम लोग जाने वाले थे कुछ और जगह पे, क्योंकि वो प्लान कैंसिल हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही निकल जाता हूँ. तो लास्ट नाइट को फाइनल हुआ कि हाँ मैं अकेले जाऊँगा, तो इस वजह से मेरे भाई ने बोला कि चलो मैं भी निकलता हूँ तुम्हारे साथ, वो भी चलने के लिए राज़ी हो गया. हाँ ठीक ही है, एक से वाले दो मज़ा आ जाएगा. तो अभी टाइम हुआ है, देख लेते हैं, 6 बज चुका है. ये देखिए, जस्ट ए मिनट, फोकस नहीं हो पा रहा है, ये देखिए शायद देख पाएंगे. तो लेट हो गया हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मुझे 10:30 बजे तक मालदा एंट्री करना है, ताकि मैं घूम फिर के फिर शाम तक या फिर रात 8 बजे तक घर में लौट सकूँ. सो चलिए, मोबाइल सेट हो चुका है, गाड़ी को अब थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसको भी थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा. सो जस्ट फॉर ए मिनट वेट. सो गाड़ी को थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, तब तक मैं थोड़ा, ओह सॉरी, गेट भी खोलना पड़ेगा. आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने थोड़ा अर्ली मेरा वेकअप हुआ है. सो अच्छा लगता है मॉर्निंग टाइम में, फ्रेश फ्रेश मौसम रहता है, वेदर भी फील्स गुड. सो ऑल सेट, गाड़ी भी मेरा वार्म अप हो चुका है. So get ready to go. देखो, हेलमेट तो गिरना मत यार, सेट हो जा. हाँ ऐसे ही रहना. चलिए फिर मेरा राइड स्टार्ट होता है. फिर 6 बज चुके हैं ऑलरेडी, रास्ता ट्रैफिक ज़्यादा ना हो यही दुआ करूँगा. तो रोड पे अभी कोई भी नहीं है मेरे घर के सामने, इसको बंद कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में डांट पड़ेगा मुझे. तो चलिए फिर 15 अगस्त राइड के लिए, 2018 फ्रीडम राइड. सो फाइनली मैंने मेरे दोस्त को, या प्रियंकर मेरे भाई जैसा है, इसको मैंने पिकअप कर लिया मेडिकल से, और मैं अभी शिव मंदिर एरिया क्रॉस कर रहा हूँ. ये जो फ्लाईओवर ये जो है नया नया स्टार्ट हुआ है, का कुछ दिनों तक यहाँ पर बहुत जाम हुआ करता था. सो अभी जाम फ्री हो गया है, और अभी तो नॉर्मली सुबह का टाइम है, ट्रैफिक तो रहेगा नहीं. सो ये रहा शिव मंदिर का मेन मार्केट, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं. सो ऐसा ही रोड, अगर मुझे पूरा रास्ता मिल जाए तो क्या चाहिए. सो चलते, प्रियंका जो मेरे पीछे बैठा हुआ है, वो मेरे साथ चल रहा है आज, जैसे मैंने बोला था.
सो 15 अगस्त का ये फ्रीडम राइड है। सो सोचा था सोलो राइड होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, सोचा था ग्रुप में राइड करेंगे, फिर हुआ सोलो राइड, फिर अब जाके हम लोग दोनों निकल पड़े। सो चलते हैं, चलिए टूवर्ड्स मालदा। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... चुके हैं घोषपुकुर मोड़ में, ऑलमोस्ट हम लोग बागडोरा एरिया कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ये रहा घोषपुकुर, यहाँ से आप लोगों का डिस्टेंस दिखाए देगा कि नहीं मालूम नहीं, ये रहा डिस्टेंस बोर्ड किलोमीटर वाइज। कोलकाता जाने का रास्ता सीधा इधर से ही है, कोलकाता मुझे जाना है अपकमिंग मंथ्स में, मेरा प्लान है कोलकाता जाने का, कोलकाता कुछ ट्रिप मेरा बाकी है। सो, अभी तो आज तो नहीं हो पाएगा, सितंबर या फिर अपकमिंग दिसंबर में मेरा एक ट्रिप है जो कि बड़ा ट्रिप होने वाला है। सितंबर में कोलकाता सोचूंगा, देखते हैं, प्लान तो है, देखते कितना हो पाता है। और ये रहा घोषपुकुर मोड़, यहाँ से रोड डाइवर्शन, अच्छा नया रास्ता कौन सा वाला, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ, ये तो ब्लॉक है, एक बार पूछना पड़ेगा। जस्ट नहीं, ये तो ब्लॉक है, इधर से जाना पड़ेगा, जस्ट मिनट पूछना पड़ेगा। निकलने रास्ता इधर से ना, जाने वाला रास्ता इधर से। सो इधर से जाना पड़ेगा, पहले इधर से जाना जाना पड़ता था, अब इधर से। तो चलिए फिर, डाइवर्शन हो गया, ठीक है, ये नया वाला फ्लाईओवर होने की वजह से रास्ता को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया गया है। ये फ्लाईओवर इधर से मतलब कैसे बताऊँ आप लोगों को, पीछे चला जाता है, काफ़ी नए नए रास्ते रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं बेटर करने के लिए, ठीक ही है, होना चाहिए सेफ्टी की हिसाब से। सो, क्या बोला था मैं, हाँ मेरा अपकमिंग नेक्स्ट मंथ सितंबर में एक प्लान तो था, मेरा सोच रहा था, लेकिन दोनों अब सिचुएशन कैसा मुझे परमिट करता है। सितंबर 15 को मैं सोच रहा था कोलकाता जाऊँ, और अगर सितंबर में नहीं होता है तो दिसंबर में मेरा एक प्लान है, नवंबर दिसंबर में, जो कि बड़ा प्लान है, जो पूरी होके दीघा, कोलकाता पूरी दीघा तीनों को मैं कंप्लीट करूँगा 2 हफ्ते में, मतलब 12 दिन का मैंने सोच के रखा हुआ है। सो मेरा सबसे बड़ा राइड होगा अभी तक स्टील येट, सो होप फॉर द बेस्ट, और देखते हैं मेरा हेल्थ और मेरा बाइक का हेल्थ कैसा रहता है, उस हिसाब से देखते हैं क्या होगा। अभी तो चलते वेदर, अभी तक धूप नहीं निकला है, वेदर तो अभी हॉट का है, समर सीजन, सो लेट्स गो गाइस। सो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली विधाननगर टोल प्लाजा में, ये रहा टोल प्लाजा, फर्स्ट टोल प्लाजा। सो निकलता है यहाँ से, काफ़ी बड़ा है हम लोग के लिए, फर्स्ट टोल प्लाजा है विधाननगर में, विधाननगर से थोड़े ही आगे हम लोग विधाननगर पहुँचने वाले हैं। सो लेट्स गो, हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, सो फाइनली
हम लोग फिर से हाईवे के ऊपर। ये रहा हाईवे, चलिए लेट्स गो बड़ी। अभी तक धूप नहीं निकला है, वेदर काफ़ी अच्छा अभी तक साथ दे रहा है। टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ होगा शायद, देखना पड़ेगा। और सिंगल वे रोड है ये, टेंशन की कोई बात नहीं, बस चलते जाओ। गाड़ी ऑटोमेटिकली आपका स्पीड ले लेता है ऐसे रास्ते पर। रास्ता ऐसा ही रहेगा, उम्मीद तो ऐसा ही है, देखते हैं। पहली बार मैं जा रहा हूँ, देखते कितना दूर मुझे ऐसा रास्ता मिलता है। वाह, गाड़ी स्पीड ले रहा है धीरे धीरे करके, काफ़ी मज़ा आ रहा है। एक्साइटमेंट तो हाई लेवल पे है, मेरा होना भी चाहिए ऐसा ही, क्योंकि लॉन्ग राइड का एक मज़ा ही कुछ अलग है। इसको यार से भरा था बस्ता, वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चिंता कर न कर अगर मगर। कैसा है ये सफर, बना है तू ढाने का सब आसमान है। तो इस जमाने का बेतरा गुजर, ऐसी राह से गुजर। जी उठे हर घड़ी हर पहर, सफर कैसा है ये सफर।
चला चल रहा ही यूं ही चला चल रहा ही कितनी हसीन है ये दुनिया फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया दुम दुम दानना रत दुम दानना दुम दुम दानना रत दुम दानना दुम दुम दानना रत दुम दानना भैया रास्ता है कह रहा अब मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे दिल को है क्यों ये बेताबी किससे मुलाकात होनी है जिसका कब से अरमां था शायद वही बात होनी है यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही जीवन गाड़ी है समय पहिया आंसू की नदियां भी हैं खुशियों की बगियां भी हैं रास्ता सब तेरा तक है भैया यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया जिधर भी इन राहों में रंग पिघलते हैं निगाहों में ठंडी हवा है ठंडी छांव है दूर वो जाने किसका गांव है बादल ये कैसा छाया दिल ये कहां ले आया सपना ये क्या दिखलाया है मुझको हर सपना सच लगे जो प्रेम मगन जले जो राह तू चले अपने मन की हर पल किसी से मोती ही तू चुने जो तू सदा सुने अपने मन की यूं ही चला चल रहा ही यूं ही चला चल रहा ही कितनी हसीन है ये दुनिया फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया अपने को कुछ ऐसे हल्का पाए जैसे कंधों पे रखा बोझ हट जाए जैसे भोला सा बचपन फिर से आए जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए खुल सा गया हर बंधन जीवन अब लगता है पावन मुझको जीवन में प्रीत है होठों पे गीत है बस ये ही जीत है सुन ले राही तू जिस दिशा भी जा तू प्यार ही लुटा तू दीप ही जला सुन ले राही यूं ही चला चल राही यूं ही चला चल राही कौन ये मुझको पुकारे नदियाँ पहाड़ झील और झरने जंगल और वादी
इनमें है किसके इशारे। यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल रहा ही, कितनी हसीन है ये। सो फाइनली हम लोग रेस्टोरेंट ले लिया है धनतला मोड़ से। धनतला ये रास्ता अंदर अंदर से शॉर्टकट है जो मुझे लेके सीधा रायगंज के करीब जाके कहीं पर, और देखिए अच्छा सा डैम जहाँ पर फिश कैचिंग हो रहा है। सो ये रास्ता जो मुझे लेके ऑलमोस्ट रायगंज के करीब लेके मुझे जाएगा। ये अप्रॉक्स 55 किलोमीटर का एक रूट है जो धनतला से लेफ्ट साइड से घुसता है और ये बोतलबड़ी होके निकलता है रास्ता। काफ़ी टर्न्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स है रास्ते रोड पे, लेकिन रास्ता ठीक ठाक ही तो लग रहा है अभी तक। शायद जितना मैंने सुना है कि ठीक ठाक ही है रास्ता, देखते हो आगे जाके मालूम पड़ेगा। गांव-गांव से होके ये रास्ता विलेज एरिया है पूरा जाके निकलेगा। सो काफ़ी शॉर्टकट है ये रास्ता 55 किलोमीटर जो मुझे, अगर मैं इस रास्ते से मैंने जाने के लिए मैंने माइंड डिसाइड किया था क्योंकि मुझे डालखुला का जो मेन ट्रैफिक कंजस्टेड एरिया है उसको मुझे फेस नहीं करना था, तो मुझे वो नहीं चाहिए वो वाला रूट से मैं जाना नहीं पसंद करूँगा क्योंकि वहाँ पर बहुत जैम ट्रैफिक इशू है। सो बेटर देन उस रास्ते से जाने से ये रास्ता बेटर है और शॉर्टकट भी है। सो चलिए रास्ता वहाँ पे शार्प टर्न, रास्ता तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये देखिए फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, आज 15 अगस्त है। शायद काश मैं ज्वाइन कर पाता हूँ लोगों के साथ, देखने में अच्छा लगता है जब आज के दिन ऐसा एक फ्रीडम डे और एक फ्रीडम राइड और क्या चाहिए। और ये नाइस व्यू, सो इस व्यू के साथ आगे बढ़ते हैं। और चारों तरफ एग्रीकल्चर फील्ड है, आप देख पाएंगे दाएं तरफ लेफ्ट एंड राइट चारों तरफ एग्रीकल्चर का फील्ड है, तो खेती बाड़ी हो रहा है चारों तरफ। सो आज मौसम ही बहुत अच्छा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। शहर एक नया जहाँ मुस्कुराहटे हैं बिखरी, जहाँ से गम का मौसम गया, जहाँ मीठी बातें हर एक अजनबी से हो, भूले हम भी जो सारी फिक्रे, लम्हा लम्हा खुशियां बिखरे इधर उधर और यहाँ वहाँ, जाए वही दिल कहे जहाँ। बेबे 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 ऐसा क्यों ना कोई खेल जिसमें सब ही की हो जी, इन दिनों गुल तारे कोई भी देखता नहीं, देखे उनको दीवाने होके, कोई कितना भी हमको ढूंढे, खुली हवा हो खुला समा, जगे हुए हो सब अरमा। बेबे बेबे बेबे
चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है, कभी ना बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, दिन दिन भर वो प्यारी बातें झूमे शामे गाए रातें, सोचो तो हर एक ही बेखबर है, उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए, चिल्लाते हैं अपने रास्ते,
सफा कंधे पे मेरा बस्ता चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे ओ, 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 ओ। तो हम लोग अभी फाइनली पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर शो कर रहा है, लेकिन एक बैड न्यूज़ है, माय एक्शन कैमरा बैटरी अबाउट टू डाई नाउ, लो बैटरी सिग्नल दे रहा था, सो किसी वक्त ये स्विच ऑफ हो सकता है, सो मालूम नहीं मैं 4 किलोमीटर एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं विद इन टाइम डेडलाइन टाइम। तो चलते हैं, अगर नहीं रिकॉर्ड हो पाता है तो मैं पहुंचने के बाद आप लोगों को मैं वहाँ का आपको व्यू जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, आदिना मस्जिद मेरा फर्स्ट स्टॉप जो आज मैं एक्सप्लोर करूँगा पहले, सो मैं उसको आपको दिखाऊँगा ज़रूर, आई विल रिकॉर्ड इट। सो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, बैटरी कितना दूर तक स्टे करता है, लेट्स गो।
দাঁড়াবো নে, ছবি তুলে দেবো, তুই লোকেশন লাগে। Thank you.